नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ साधना शर्मा। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने से पहले आइए जानते हैं आज की ताजी और खास खबर। महापर्व छठ पर यात्रियों को तोहफा, लखनऊ से 10 शहरों के बीच चलेगी 60 नॉन स्टॉप बसें। लखनऊ, दीपावली के बाद परिवहन निगम प्रशासन के सामने अब छठ पूजा और नौकरी पर जा रहे लोगों की वापसी की भीड़ को गंतव्य तक पहुँचाने की चुनौती होगी। रोडवेज ने पहले अपना ध्यान छठ पूजा पर केंद्रित किया है, इसके लिए लखनऊ क्षेत्र ने पूर्वांचल की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष तैयारियां की है। करीब 5 दर्जन नॉन स्टॉप सेवाएं सोमवार को चलाया गया। इसके तहत परिवहन निगम के चारों प्रमुख बस स्टेशन आलमबाग टर्मिनल, केसरबाग, चारबाग और कमता यानी अवध बस स्टेशन से अतिरिक्त बसों का संचालन किया गया। यही नहीं, बेड़े का एक हिस्सा रिजर्व में रोका गया है। इसके अलावा छठ पूजा के बाद वापसी की भीड़ के लिए भी रोडवेज प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। रूट चिन्हित कर लिए गए हैं। आगामी 11 नवंबर तक अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। छठ पूजा को देखते हुए निगम प्रशासन ने लखनऊ से गोरखपुर, दिल्ली, बहराइच, गोंडा, कानपुर, आजमगढ़, देहरादून, हरिद्वार और वाराणसी समेत 10 मार्गों पर बसें चलाई गई हैं। 250 से अधिक बसें हैं। छठ पूजा बीतने के बाद ही अपनी नौकरी पर जाने वालों की वापसी की भीड़ होगी, इसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं। यात्रियों को छोड़ने के बाद रूटवार बसों को लगा दिया जाएगा, इससे वापसी को जाने वाले लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतें ना होने पाएँ। रिपोर्ट आरती सचदेवा।